ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पखांजुर पंकज साहा द्वारा अन्य होटल व्यवसायी पंकज साहा के पोस्ट ऑफिस खाते से झूठा शपथ पत्र बना राशि आहरण करने के मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पोस्टल विभाग से इस फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज साहा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वे इस संबंध में पोस्टल अधीक्षक से बात की है। उन्हें पोस्टल अधीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस मामले में विभाग जांच करवा रहा है और जांच पूरी कर झूठा शपथ पत्र दे पैसा आहरण करने के मामले में पोस्टल विभाग पुलिस में मामला दर्ज कराएगा। उन्होंने बताया कि अगर पोस्टल विभाग द्वारा मामला दर्ज नहीं किया जाता तो आंदोलन होगा। वहीं इस मामले में अंतागढ़ के पूर्व भाजपा विधायक भोजराज नाग ने पंकज साहा के खिलाफ पखांजुर थाने पहुंच शिकायत दी और मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज साहा ने वही किया जो कांग्रेस की रीति रही है, पर इस मामले में पोस्टल विभाग कार्यवाही कर रहे, अन्यथा वे इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही इस मामले को लेकर जगदलपुर पोस्टल अधीक्षक से मुलाकात करेंगे, मामले में कार्यवाही की मांग करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय, प्रीतपाल सिंह, पोल्टू कुंडू, लालटू कुंडू, शंकर सरकार, नारायण साहा, अमित बोस, जितेश मुखर्जी, विश्वजीत दास, गोपी घोष आदि उपस्थित थे। पखांजूर से बिप्लव कुंडू की रिपोर्ट। पखांजूर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री पंकज साहा के द्वारा 12,420 करके एक हमनाम व्यक्ति के नाम से निकाला गया है। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। इसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और 420 का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के विधायक के संरक्षण में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, जो कि निंदनीय है। मैं अभी थाना में जाकर के FIR दर्ज कराऊंगा और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। आपको लगता है कि थाने में FIR दर्ज हो जाएगा आपके जाने से? क्यों नहीं होगा? यदि कानून का राज है तो निश्चित रूप से FIR दर्ज होगा। और कानून का राज छत्तीसगढ़ में नहीं है, कांग्रेस का राज है, तो FIR दर्ज नहीं होगा। अगर FIR दर्ज नहीं होता तो आप क्या करेंगे? FIR दर्ज नहीं होगा तो हम आगे चल के कानूनी ढंग से कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अध्यक्ष जो है कांग्रेस का, उसके द्वारा जो है 12,000 रुपए पोस्ट ऑफिस से फर्जी तरीके से निकाल लिया गया है। इस संबंध में आपको क्या जानकारी और क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये मामले जब जैसे मीडिया में आने की बात, लगातार हमारे युवा मोर्चा के साथ और हमारे भाजपा के सभी नेतागण वहाँ पर पोस्ट ऑफिस का घेराव भी किए, अल्टीमेटम भी दिए तत्काल वहाँ पर इस 420 प्रकरण के लिए जो जिन्होंने दूसरे के नाम से राशि आहरण किया है तो FIR करके उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए, ये मांग को लेकर दिया गया। अभी मैं कल इस मामले को लेके कल ही मैं पुलिस अधीक्षक जो इनके जो सुप्रिंटेंडेंट जो पोस्ट ऑफिस के जो प्रमुख हैं जगदलपुर, उनसे भी बात किया। तत्काल इस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको जाँच करवा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, बात उन्होंने की। लेकिन हम इस मामले में कहना चाहते हैं कि चूँकि मामला प्रथम मीडिया, चूँकि वे दूसरे व्यक्ति के नाम से जो राशि आहरण करके राशि वहाँ पर 12,000 रुपये की निकासी की गई, तो उसमें तो प्रथम दृष्टिया इसमें गड़बड़ी हुई है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। और अभी तक तो कांग्रेस पार्टी को भी उनको पार्टी से निष्कासित भी करना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको बचा रही है, ये सीधा मेरा आरोप है। और आने वाले समय में उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करेंगे, पोस्ट ऑफिस का घेराव करेंगे और आने वाले समय में ऐसे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए इस प्रकार से जो हरकतें की, जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के नाम से राशि आहरण करके जिस प्रकार से वितरित किया है, उस पर तो कार्रवाई तत्काल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय एक आंदोलन करेगी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें आता है और आप लोगों का जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी केंद्र सरकार में शासन है, तो इसमें क्यों देरी हो रही है? नहीं देखिए, इसमें देरी वाली बात नहीं है। हमने इस बात में कल मैं सांसद जी को भी कहा था, सांसद जी को हमने बात किया, उन्होंने भी कहा, मैं बात किया उनके जो अधिकारियों से और अब कल जो मैं बात किया उसमें उन्होंने कहा कि हम जाँच करा रहे हैं, जाँच के बाद तत्काल हम कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप हम देखते हैं। अभी इस पर अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आंदोलन करेगी और यहाँ के जिस प्रकार से एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ जो राशि आहरण करने की बात है, जिसमें प्रथम दृष्टिया तो पूरे उनके जो एफिडेविट दे करके शपथ पत्र दे करके राशि जो आहरण किया गया है उसमें तो प्रथम दृष्टिया उनको दोषी पाए जा उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर चुप नहीं रहेगी और उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करेंगे, इस बात को मैं कहना चाहूँगा।